Every year it is celebrated in along with भारत भाग विधाता पंजाब सात मराठा द्रावण विंध्य मुना गंगा तरंगा जागे तब शुभ आगे गाए तब निगन मंगल दायक भाग विधाता है जय है जय 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 भारत माता की जय भारत माता भारत माता की जय भारत माता की जय हम ये कहते हैं कि आए दिन जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे चाइना है पाकिस्तान है ये आए दिन कोई ना कोई हमारे लिए परेशानी का सामना बन रहे हैं। करगिल विजय दिवस जिसमें हमारे बहुत से फौजियों ने शहादत दी तो आज समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से जो पुंछ पुरानी पुंछ में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है युगल जी ने इस परम्परा को जिंदा रखा है। इससे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके जहन में ये बात ज़रूर बैठती है कि हमारे जो बॉर्डर पर जो हमारे फौजी भाई हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हम उनसे ये पुरजोर अपील करेंगे कि पुंछ का एक एक बच्चा एक एक बुज़ुर्ग जो आपके साथ है जिस तरह हाल ही में उन्होंने रफेल जो लाए S-4 मिसाइल की जो डील की मैं मुबारकबाद देता हूं उनको अपनी तरफ से और अपनी जो तंजीम है राष्ट्रीय वॉलंटियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से इसी पर मैं इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद जय पुंछ। आज का जो दिन है 26 जुलाई आज के दिन जो है हमने वहाँ पर युद्ध हुआ था ये 2 महीने युद्ध चला जिसे करगिल में हुआ द्रास सेक्टर में हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के साथ अखमे चुली की। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सेना को फुल पावर दी थी कि उन पोस्टों को वापस लिया जाए। उस टाइम की हमारी भारतीय सेना ने जो जफाकशी की मानस टेम्पल के बीच ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर उन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेला। इसमें एम रोल रहा बुलफोर्स गन का 12,000 फीट 15,000 फीट की ऊंचाई तक कारगर साबित हुई है हमारी बुलफोर्स गन जिससे पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त हुआ गया। हमारे जवान वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए हम समझते हैं हमने सभी जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पर जितने समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल के आए। आज हम उन देश के उन राजनीतियों से राजनीति जो पार्टी हैं बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियाँ मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि उन शहीदों के ऊपर जो है राजनीति मत करें। अगर उन राजनीति करने का ज़्यादा ही शौक है तो वो हमारे जो गरीब बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर राजनीति करें देश के विकास के ऊपर राजनीति करें लेकिन हमारी भारतीय सेना के ऊपर राजनीति करें। जब भी देश के बीच कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है कोई आतंकवादी बेस के ऊपर के ऊपर हमारा हमला होता है तब हमारा जो विपक्ष जो है वो उस पर राजनीति करता है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ आज के शुभ दिन पर मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आज के बाद भारतीय सेना के ऊपर शहादत के लिए ऐसी राजनीति मत करें। और मैं खासतौर कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं मैं उनको नमन करता हूँ और ऊपर वास्तव ये दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। जय हिंद जय भारत जय पुंछ।